कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। देश की राजनीति में हमेशा से अपराधी छवि वाले नेताओं का बोलबाला रहा है, उन्हें रॉबिनहुड कहकर बड़ा बना दिया जाता है। ऐसी छवि है बीजेपी से कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जो 6 बार से सांसद हैं और करीब 11 साल से इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और फिलहाल पहलवानों के यौन उत्पीड़न आरोपों में ऐसे फंसे कि दाऊद से लेकर हत्या से उसके कनेक्शन तक की चर्चा होने लगी। अगर अबजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अबजल निकलेगा। उन्होंने कहा गुंडा, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वो गुंडी है। राज ठाकरे हूं, मायावती हूं, प्रियंका गांधी हूं या फिर रामदेव बाबा, बृजभूषण शरण सिंह ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी को गुंडी कहा तो किसी को दगा हुआ कारतूस, रामदेव को तो नकली घी बेचने वाला तक कह दिया। रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए। ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। राज ठाकरे डरा नहीं है, राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है, राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है। और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। गुंडई ऐसी के एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी, 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक, प्राइवेट जेट से लेकर गाड़ियों का काफिला, बृजभूषण सिंह के शौक और तेवर किसी फिल्मी रॉबिनहुड से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कांग्रेसी नेता चंद्रभान शरण सिंह के घर 1957 में पैदा हुए, कॉलेज में ही राजनीति करने लगे और उनकी भौकाली तभी से 7वें आसमान पर थी। 70 के दशक में KS साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। जानकारों की माने तो छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते गए। 1987 की बात है, जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भरा। जानकारी की माने तो बृजभूषण ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में बताया, जब उन्हें एसपी ने गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक पर भी पिस्टल तान दी। बताया जाता है कि उस वक्त उन्होंने करीब 200 गालियां एसपी को दी थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी थे। एक इंटरव्यू में बृजभूषण बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था, वहाँ पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था, हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक कैथी फरुआ पहुँचाया, हमने गिराया नहीं है लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। बता दें CBI की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण को लोकसभा टिकट दिया तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिनहुड कहकर बचाव किया, वो बड़े अंतर से चुनाव जीते। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हरा दिया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे। बाद में CBI ने इन सभी आरोपों से सिंह को परी कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो बृजभूषण मायावती के टाइम पर काफी विवादों में रहे। साल 2004 की बात है, उस टाइम पर गोंडा का नाम बदलने पर मायावती अड़ी थी लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के दखलंदाज से इसे रुकवाया गया। लेकिन बृजभूषण को बाद में पता चला कि नामकरण का सुझाव संघ के ही किसी नेता का था, जिसके बाद बृजभूषण संघ का भी विरोध करने लगे। इसी के बाद गोंडा से बृजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप बृजभूषण पर लगा। इस घटना की CBI जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई, तब से बीजेपी से सांसद हैं। साल 2021 की बात है, रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ मारा। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी, वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां बृजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।